हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आपको आज बताएंगे कि x का मान कैसे ज्ञात किया जाता है। आपके सामने क्वेश्चन लिए हैं, यहाँ पे तीन क्वेश्चन लिए हैं और तीनों अलग प्रकार से हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन है कि 2/3 x = 1, यहाँ x का मान ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे x का मान कैसे ज्ञात करेंगे, पहला क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं कि 2/3 x = 1। फ्रेंड्स, यहाँ पे सीखिए आप कुछ बेसिक कंसेप्ट। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे गुणा है तो x = 1 लिखिए। देखिए यहाँ पे अंक है, अंक को जब गुणा यहाँ पे होता है इसको पक्षांतर करते हैं, तो ये पक्षांतर जब इस साइड आएगा तो यहाँ पे गुणा का चिन्ह देंगे और इस भिन्न को आप पलट देंगे, अर्थात हर को अंश में करेंगे, अंश को हर में यहाँ पे पलट दीजिए, यानी कि 3/2 कर दीजिए। अब इसका आपको पता होगा कि अंश में गुणा करते हैं, हर का हर में गुणा करते हैं। तो 3 का जब 1 में गुणा करेंगे 3 × 3 होगा, 2 का 1 में करेंगे 2 × 2 होगा। x का मान आपका कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, तो आपका x का मान हो जाएगा 3/2। तो फ्रेंड्स, बस आपको यहाँ पे ध्यान क्या देना है, ध्यान यही देना है कि किसी संख्या को यहाँ पक्षांतर करते हैं तो जो भिन्न के रूप में होता है वो पलट जाता है, अंश का हर हर का अंश कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड का आपको बताते हैं, सेकेंड का कैसे करेंगे। देखिए सेकेंड क्वेश्चन आपका है x = -5/4 = 1। देखिए यहाँ पर भी x का मान ज्ञात करना है, तो आप x का मान कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए यहाँ पे x लिखिए, यहाँ पे बराबर का चिन्ह दीजिए, यहाँ पे 1 लिखिए। अब यहाँ पे गुणा का चिन्ह, इसको पक्षांतर कीजिए, जब पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे गुणा का चिन्ह दीजिए, इस भिन्न को पलट दीजिए, यानी कितना हो जाएगा 4/-5। देखिए अंश का 1 यहाँ पे ले सकते हैं, अंश का अंश में गुणा हर का हर में, 1 × 4 में करेंगे 4 × 4 होगा, 1 × -5 में करेंगे तो -5 होगा। ये आपका x का मान ज्ञात हो गया, ये फ्रेंड्स आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी करके बताते हैं आपको कि x का मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरे नंबर का क्वेश्चन क्या है, ये तीसरे नंबर का है कि -5/4 × -5 = x, यानी कि x का मान ज्ञात करना। कैसे ज्ञात करेंगे, पहले कोष्टक को तोड़ दीजिए, कोष्टक को तोड़ेंगे, यहाँ पे लिखेंगे -5/4 × -5। देखिए 5 × 5 5 × 5 कट जाएगा, 4 × 4 4 × 4 कटेगा। देखिए -1/1 बच रहा है, यहाँ पे कितना बच रहा है, -1/1 × 1/-1। अभी देखिए यहाँ x है, बराबर यहाँ भी x लिखिए। देखिए 1 × 1 में करेंगे तो 1 होगा, और माइनस का प्लस में गुणा करेंगे तो माइनस होगा, 1 × 1 में करेंगे 1 होगा, यहाँ पे देखिए 1 × 1 में करेंगे 1 होगा, माइनस देखिए -×+ में करेंगे तो माइनस होगा, बराबर x। अब क्या करते हैं, ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, और 1 × 1 में देंगे तो कितना होगा, 1 होगा, ये x हो गया। तो आपका x का मान कितना हुआ, x बराबर 1। तो फ्रेंड्स, ये आपका x बराबर आपका आंसर हो गया कि x बराबर 1, ये आंसर हो गया। चलिए फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।